दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्लावर रोटेशन इफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर रोटेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ बहुत सारा इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसमें जो फ्लावर रोटेशन वाला है, जैसे ये डिज़ाइन देख पा रहे हैं, या कोई फूल जो है वो रोटेट करता है, तो वो कैसे करता है, तो उसके बारे में ही देखने वाले हैं हम लोग कि ये बनाते कैसे हैं इस टाइप का इफेक्ट जो भी रोटेशन वाला है। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट बनाते कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लावर जमा करना है गूगल से। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करना है आपको फ्लावर PNG ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा तो बैक में ऐसा आएगा। ठीक है, जिसका बैक में ट्रांसपेरेंट होगा ऐसा आएगा, नहीं तो वाइट या कोई और कलर आएगा। और जब भी आप इसको सेव करेंगे तो .png से होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज। तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे देखिए .png फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं रोटेट। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है एडोब एनिमेट। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। और आज मैं सिंपल सा आपको एक छोटा सा सैंपल बताने वाला हूँ कि फ्लावर रोटेट करके कि कैसा लगता है आपको। तो ये आपका एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा लंबा है, हैवी है थोड़ा। यहाँ पे जाना है आपको, सबसे पहले न्यू पे जाना है और आपको हाइट और विड्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे विड्थ 100 हमको चाहिए, 100x100 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, और फ्रेम रेट जो चाहिए 30 फ्रेम रेट चाहिए, यूनिट पिक्सल में ही है, तो ओके कर देना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट आ गया है, और मुझे चाहिए बैकग्राउंड कैसा, ब्लैक ब्लैक। इसको मैंने माउस या इससे जूम किया है, मैंने कीपैड से जूम किया है, सॉरी टच पैड से जूम किया है लैपटॉप के। ठीक है, अगर आप ऐसे जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जूमिंग का ऑप्शन दिया है, 50%, 100%, 200%। इससे ज़्यादा जूम करने के लिए आप यहाँ पे टच पैड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें इमेज कैसे इम्पोर्ट करते हैं। तो इमेज इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले इमेज उठाना है, और इमेज को जाके यहाँ पे आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के पास थोड़ी देर तक रखना है, और ये आपका इमेज आ गया। और इमेज का साइज़ आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और उसके बाद इस पर जा कर के इसको छोटा करना है, फिर इसको उठा के नज़दीक लाना है, फिर और भी छोटा करना है, जब तक ये आपके विंडोज़ जो आपका साइज है उसमें फिट ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फिट लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका फिट। और मुझे कितने सेकंड के लिए बनाना है, ये मुझे बना लेना है ये 10 सेकंड का। तो ये आपका टाइमलाइन है। ठीक है, मुझे भी 5 सेकंड का बनाना है, तो 5 सेकंड यहाँ पे क्लिक करना है और इंसर्ट की फ्रेम पे जाना है। ठीक है, और इंसर्ट की फ्रेम पे जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट अ मोशन ट्विन पे सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट कीजिएगा, ओके कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको आएगा रोटेशन, कैसा रोटेशन चाहिए, क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका फ्लावर क्लॉकवाइज, और मेरा फ्लावर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो इसका थोड़ा हाइट बढ़ा लेते हैं,
ताकि ये आपको परफेक्ट दिखे। ठीक है, पहले रिमूव मोशन ट्विन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ये जो साइज था इक्वली नहीं है। और क्रिएट मोशन ट्विन, ऐसे क्रिएट मोशन ट्विन, मोशन ट्विन पे, क्योंकि मैं साइज मिला रहा था इसलिए फिर से क्रिएट मोशन ट्विन। और यहाँ पे जाके काउंटर क्लॉकवाइज करना है तो काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका इमेज इधर से इधर मूव कर रहा है, और मुझे इसका जस्ट अपोजिट करना है। तो फिर यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ पे ले जाना है आपको, थोड़ी पहले इंसर्ट की फ्रेम करना है। इंसर्ट की फ्रेम करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट मोशन ट्विन पे जाना है, ओके करना है। तभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, इस बार मैंने क्लॉकवाइज लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ मेरा मोशन तैयार हो गया है। और यहाँ पे आप प्ले का बटन प्रेस करके आप अपने इफेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, एक बार इधर घूम रहा है और एक बार इधर घूम रहा है। अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे जाना है, फाइल में एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट मूवी पे जाना है। SWF चाहिए तो SWF मिलेगा, JPG चाहिए, PNG चाहिए, किस टाइप का चाहिए। तो मुझे फ़िलहाल SWF फाइल चाहिए, और SWF फाइल चाहिए और रखना कहाँ है मुझे, डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। और चलिए LED एडिट 2014 में इसको चेक करते हैं। वीडियो इफेक्ट, ओपन वीडियो इफेक्ट, और मेरा डेस्कटॉप पे था फाइल। तो ये आपका फ्लावर रोटेशन रेडी हो गया। तो इस टाइप से आप फ्लावर रोटेशन इफेक्ट बना सकते थे। ये पहला ट्यूटोरियल था इसलिए मैंने एक छोटा सा आपको मोशन फ्लावर में डाल के दिखाए हैं। बाकी आगे के ट्यूटोरियल में इसको जूम करके, जूम आउट करके इस टाइप का और भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।